मोहम्मद दानिश अपने ट्रोलर्स पर जबरदस्त भड़के। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां आइडल के कंटेस्टेंट अपनी आने वाली परफॉर्मेंस और स्टेज पर हुए धमाल के लिए जाने जाते हैं, तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आइडल के ही कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। क्या कुछ कहते हैं मोहम्मद दानिश, आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक तरफ जहां आइडल के कंटेस्टेंट्स को भरपूर प्यार मिल रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रोलर्स का नाम दिया गया है और वो आइडल के कंटेस्टेंट की निंदा भी करते रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वो शनमुखा प्रिया और मोहम्मद दानिश के पीछे पड़े रहते हैं। उनकी सिंगिंग स्टाइल शायद इन्हें पसंद नहीं आती और इस वजह से वो उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। अब इसी बात पर मोहम्मद दानिश ने कुछ कहा है और दानिश कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता, पर मैं परेशान भी नहीं होता हूँ, पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि माइंड में कभी तो आ ही जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये बस एक कुछ लोग होते हैं जो हमारी सिंगिंग को पसंद नहीं करते, बस हमें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमें पसंद करता है और हमें इतना प्यार दे रहा है, हमें इतनी प्रसिद्धि दे रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगा, भारत के इतने बड़े मंच से मैं गा पाऊंगा और मुझे चाहने वालों की संख्या आज लाखों में है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस पर मैं सिर्फ लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आज ये उन्हीं का प्यार है। इस तरह मोहम्मद दानिश ने अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया और इतने प्यार से लोगों को समझाया। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद दानिश अपने गायकी के दम पर फिनाले में जगह बना पाएंगे? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।